अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए एक नए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कैसा लहसुन बोले सर, अब एक बार बोलो। 320 300 340 तीन आइटम है तुम्हारे पास, डालो ये। ये छोटा ये 300 का, 240 300 रुपए की हुआ। मोल उतरी अदरक का कम होगा जरा। पुराना लहसुन क्यों हुआ, ये सभी नया नहीं है। 1200 ये कैसा बड़े आलू, 70 रुपए वही। आलू नहीं सब खाना खाते नहीं यूपी वाले, अब वही की कर कभी बोलते हैं। सेट भी होता अच्छे तरकारी मार्केट ये खलास पड़ेगा मार्केट को हमें दूसरा मार्केट है, ये वो मार्केट नहीं है, केयर मार्केट नहीं है, खलास पड़ेगा मार्केट। दम आलू बनाने अच्छे रहती है ऐसे छोटे आलू और फ्राई करने के वास्ते, और बहुत सारे बच्चे पूछे हैं ऐसी रेसिपी बना को दियो। अब कल आलू फ्राई करे थे ना बोल को, तो 50 रुपए में दो कितने आलू दी, बड़े आलू थे घर में। लहसुन का मोल तो बिल्कुल उतर रहा नहीं, पुराना लहसुन ये तो इसलिए लिए लिए। बेबी आलू बच्चों को बड़ा पसंद आते हैं ऐसे, अब सीजन का हिसाब टेम्परेचर सब मिलते हैं, घर में ढूँढे तो भी नहीं मिलते। ये है मार्केट, क्यार मार्केट का भाजी का मार्केट ये। तो आज सुबह में मैं आई थी यहाँ पर, थोड़ा बहुत हो जाता है ना घर के आइटम, बहुत सस्ती है भाजी, बहुत सस्ती है। सुबह ही मार्केट का माहौल दिखा दें, चलिए कितनी सस्ती है तरकारी, इसके बाद महंगी हो जाती है। मालूम इसमें नार नहीं रहता, बोले नहीं। इसके बाद महंगी हो जाती है सरकारी कम है मार्केट में, इसके बाद बहुत महंगी हो जाती है। मैं बोलती थी हो जाती है, इसके बाद बहुत सस्ती होती है तरकारी, बोल रही। देखो यहाँ आंटी को शेयर करो, लाइक करो। ओ थैंक यू थैंक यू। सुबह खुद का माहौल देखिए, आदमी कम है। तो ये है हमारे अंडे, तो अंडे भी खत्म हो गए थे। अंडे वो या मंडे रोज खाना, अंडे चाहिए उबला हुआ, एक अंडा सेहत के वास्ते ज़रूरी है। अंडा उबाले तो येलो खाने को, खाली वाइट सादा कैल्शियम के वास्ते, और बहुत कुछ फ़ायदे हैं इसके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अंडा खाना चाहिए, वाइट हेयर आने से कम रहते हैं। मार्केट का काम सारा ख़त्म हो गया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी हम जाएंगे घर। पुर के फातिहा यहाँ दरगाह में हुई, माशाल्लाह बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे दरगाह में फातिहा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। तो यहाँ पर मैं अंडे भी जमा चुकी हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट से तो आ गई। प्याज होना था मुझे, प्याज नहीं थी, तो चलिए बिस्मिल्लाह। वाओ ड्राई फ्रूट,
भी अम्मी आए तो ऐसा। ये ब्रांड को ही भूल गई हूँ मैं, आजकल जाती ही नहीं, तो फिर से अम्मी की याद आ गई मुझे। ये छोड़े तो काम भी कान का भी मैं नहीं खाती, एंटेस्ट पर अल्लाह ताला का शुक्रिया एहसान। आइए मेरी यूट्यूब फैमिली, खाएंगे। मार्केट जाने के आने के बाद यहाँ पर देखिए बीन्स रखी हूँ और यहाँ पर बना रही हूँ रसम टमाटर अमली डाल के, और अंडे रोज़ तीन खाना, एक आदमी को एक अंडा का तभी खाना चाहिए अंडा। ये एक आवाज में क्या भी बात करने से होता नहीं मुझे, तो सिंपल रेसिपी बना रही हूँ आज रसम, मगर मैं रोज़ रसम बना कर दियो खाती। और अंडे भी उबालने रखी हूँ और यहाँ पर बीन्स का चकना बनाएंगे, इसमें नार नहीं रहता, बहुत टेस्टी लगी बीन्स ये। ये आवाज़ हमें क्या रेसिपी भी शेयर करने हो रहा है मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ। तो हमारा लंच बन गया, अभी मोमो को जाना है, मोमो को जाके खाना दे के आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए रसम, तो यहाँ पर राइस, मार्केट को जाने के बाद बिस्मिल्लाह। तो इस टाइम पे हम गैस को बंद कर देते हैं, तो हमारे अंडे भी रेडी हैं और हमारा रसम भी। अगर इस रसम की रेसिपी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए, बहुत इजी है लेकिन उतना टेस्टी रहता है जीरा और काली मिर्ची का। इंशाल्लाह मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अगर आप बोले तो। ये तो राइस, तो चलिए जाके मोमो को खाना लेके आते हैं। देखिए अमली की बिंजा सुखाना, नहीं तो कीड़े आ जाती, नहीं तो इसे गर्म करना, महीने महीने साल भर काम आती। तो देखिए, नहीं तो प्लास्टिक के बादाम के जैसे मिलती हैं केजी के हिसाब से, ओले को पड़ो ऐसे। अमली, अब अमली का अमली सीज़न अलग ही होगा, अमली के दिनांक और सीज़न भी शुरू होता है, अभी काम भी मिल जाती, 30 रुपये 50 रुपये किलो। तो ले को आराम से धूप में सुखा कर ले तो साल भर काम आती, नहीं तो गर्म करना इसे, भून लेना, कीड़े नहीं आते, नहीं तो कीड़े आ जाती कच्ची अमली के ना। और एक तो यहाँ साथ साथ में लहसुन भी छिलिए, गीता ही तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है हमारा, क्लीनिंग भी चल जाता है। गीता यारू अंत नहीं केद्रल, गीता बेस्ट फ्रेंडु, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಾನು. ಏನು ಹೇಳ್ತೆ ಗೀತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಮನ್ಸು ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಗೀತಾ? ಅದೇ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೀತಾ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ, ಹೇಳಿ ಗೀತಾ ಯಾರು? ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ತಾಯಿ, ಇದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇರೋ ಕೆಲಸನೂ ನೋಡಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಗೀತಾ ಥರ ನೀವು ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ, ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ. ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ದೇಖಿ ಕಿತ ಕ್ಲೀನ್ಸ್, ಏಕ್ ಭೀ ಮಕ್ಕಿ ನಹೀ ಹೈ. तो शाम के 4 बजे तो यहाँ पर हम गए थे खैमा ले लगाने के वास्ते, यहाँ से भी हमारे घर के पास मशीन में दाल को दी डालती, तो हाथ का खैमा भैया के पास ले लगाने जाती थी हमें, गोश्त को दूर करके जाते नहीं, तो वहाँ गए तो गोश्त ले लगा जाती, तो मैं मशीन का खैमा नहीं खाती. वहाँ पर बात करी थी मैं, नात चल रही है, भैया रात दिन नात डाले रहती उनके दुकान में. माशाल्लाह देखिए कितना पाक है इनका दुकान, बहुत नीट एंड क्लीन, और जैसा बोलती हूँ ऐसा हमारे वास्ते. तो इस सालों से हम इनके पास लेती. तो अभी मैं खैमा लेने आई थी, मैं इस जगह छोड़े वास्ता काम भी हाथ का देते नहीं. तो खैमा लेने आए थे अभी यहाँ पर, हमारे एरिया में भी नहीं देते ये भैया, हमने बहुत सालन से निशानी अम्मी भी हाँस लेते थे सो, उस वो निशानी पोई ना हाथ से मार को देती, बाकी के किससे भी नहीं, मशीन में डाल डालती सो. मैं मशीन का नहीं लेती, और उनको अच्छा मालूम, इसीलिए
हिमालय लेकर जाइए शाम को डिनर बनाने के लिए। तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? अच्छा ही नहीं रहा है हम भी मस्त बंदाली। अच्छा बंदी ने यस ऐसे झाड़ा झाड़ा रहना घर आए कने मुझे तो झाड़ा बहुत पसंद आती इन ऊपर तक भी डाली कौन की मेरे जैसे पंप झाड़ा को प्यार करने वाले। अच्छा डाली ये गली में पूरा झाड़ा झीन सको अच्छा लगता है ऐसे डालना चाहिए ठंडी गली की जैसा। कुछ ने कमेंट्स करे थे आप कई को माल डालती हूँ बोल को मैं गाड़ी चलाती हूँ ना धूल और डस्ट और इससे बचने के लिए मास्क ज़रूरी है इसलिए मैं मास्क डाल के गाड़ी चलाती हूँ। चलिए चलते हैं घर। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डिनर तो आप देखे होंगे मैं जाको खैमा ले कई वो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खलाटा था और बिल्कुल करंट नहीं था तो इसलिए क्या करूँ बोलो ज़रा दिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो सारे रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बन रहा है रागी बाल तो ये है गर्मा गर्म खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खैमा का साला चिली दल दल को। तो यहाँ पर मैं खैमा का साला और रागी बॉल हमारे घर में जब मैं खैमा का साला बनाती हूँ तब ये रागी बॉल खाना पसंद करते हैं। इसकी रेसिपी शेयर करने नहीं हुआ ऊपर नीचे सभी गलाटा ज़्यादा हो गया था टेल संग कुछ डाल रहे थे फुल आवाज़ इंशाल्लाह बीच में मैं फिर एक बार ये रेसिपी शेयर करूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल को ऑल कर दीजिए नोटिफिकेशन रोज़ रोज़ वीडियो के आते रहेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करिए और आपके लिए भी मैं दुआ करूँगी खुश रहिए लाइफ में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय।